नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का किसान न्यूज़ पर। तो आज दिनांक हो चुकी है 9 दिसंबर और शुक्रवार का आज दिन है। तो सोलन सब्जी मंडी हम पहुंच चुके हैं। तो आपने जैसा कि स्क्रीन पर देखा कि काफ़ी फ्रेश और यहां पर चाइनीज सब्जियां यहां पर देखने को मिली है। तो देखते हैं इनके क्या दाम रहते हैं आज के दिन। देख सकते हैं यहाँ पे जो पीले कलर की जुगनी होती है, साइज़ थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा इसका। तो देखते हैं इसके क्या कुछ दाम रहते हैं। साग यहाँ पर अलग अलग वैरायटी का पहुँचा है और वहीं टमाटर आप देख सकते हैं, बथुआ भी पहुँचा है। तो आज का फ्रेश अपडेट पिन्नू सर से लेने वाले हम, 10 नंबर शॉप BSM मार्का। और साथ ही साथ काफ़ी सब्जियाँ अभी बची हुई है आप देख सकते हैं, और बैंगन भरते का बैंगन आप देख सकते हैं, हरा बैंगन आप देख सकते हैं, शकरकंदी, गाजर। तो सीधे चलते हैं सर के पास और जानते हैं आज का फ्रेश अपडेट। लोकल टमाटर भी आप देख सकते हैं, लोकल टमाटर भी यहां पहुंचा है। और सेब देख सकते हैं आप, कश्मीर का सेब, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के सेब। और फ्रूट्स भी आज इनके पास बहुत काफ़ी मात्रा में पहुंचे हैं। तो सारी चीज़ों के रेट अपडेट एक एक करके हम आज लेने वाले हैं। तो यहां पर लहसुन की बोली यहां पर 15 रुपये से शुरू, यहाँ पर स्प्राउट इसमें आ चुके हैं, लहसुन 15 रुपये जा रहा है, जिस मर्जी का हो। तो 15 पर ही यहाँ पर बोली सिमट गई, क्योंकि स्प्राउट्स इसमें अंकुर आ चुके हैं, तो जिस कारण क्वालिटी भी यहाँ पर घट चुकी है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी, कैसे हाल हैं सर? ठीक है सर, ठीक है। और कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट हिमाचल की जनता ने अपना रिवाज नहीं बदला और सरकार को बदल दिया, अपनी परंपरा बनाए रखी। हाँ, अपनी परंपरा बनाए रखी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्या कहेंगे गाजर के बारे में सर? गाजर 18-20 रुपए किलो बिक्री जी, 10 रुपए किलो भी बिक्री है वैसे तो मंडी में, पर वो गाजर गाजर में फर्क है। और खीरे की बात करें, खीरा 20-25 रुपए किलो बिक रहा है जी। 20-25 रुपए सीडलेस 35 रुपए तक बिक रहा है जी। और बैंगन? बैंगन 15 रुपए के आसपास है सारा, ये जितना भी बैंगन है, ये वाला बैंगन है, चाहे ये चाहे हरे वाला बैंगन है, सारा। और शकरकंदी? शकरकंदी 25-30 रुपए किलो बिक रही है जी। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च 25 रुपए आसपास ही बिक रही है। अदरक? अदरक 60 रुपए किलो बिक रहा है ये वाला। आसाम का अदरक है ये? हाँ, बिना रेशे वाला है जी। लोकल अदरक? लोकल अदरक 40-45। और शलगम? शलगम 20 रुपए किलो के आसपास। भिंडी 45-50। और करेले की बात करें जी? करेले की बात करें, करेला 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। काफ़ी भाव बढ़ गए इसके तो। हाँ, ये यहाँ इस समय आ नहीं रहा है ना जी, कम आ रहा है। तेज मिर्च, अरबी? तेज मिर्च और अरबी दोनों 30-30 रुपए किलो बिक रही है। और लहसुन की बात करें, लहसुन अभी हमने थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये दिखाइए, ये थोड़ा इसमें लुंगे आ गई, जैसे ये है, ये बिका 15 रुपए किलो, ये एक जगह से खाली भी हो गया है और लुंगे भी आ चुके हैं। बीज के लहसुन की डिमांड अभी भी है सर? अब तो ये मान के चलिए 3 महीने बाद तो फसल आ जाएगी, अब तो लग चुका है जो लगना था। और मशरूम की बात करें, मशरूम आज जो है वो कम भाव है, बहुत 100 रुपए किलो बड़ी मुश्किल से बिक रही है, और पिछले कल 140 रुपए का भाव था। शादियां भी ख़त्म होने लगी अब तो, जिनकी शादियां थी वो लेके गए वे कल। हाँ जी, चलिए जिमीकंद की बात करें सर, जिमीकंद 30 रुपए किलो और कचाड़ू 25 रुपए किलो। और मटर? ये वाला मटर बिक रहा है 30-31 रुपए किलो, बाकी लोकल अभी आया, शायद आए, पक्का नहीं है। और घिया? घिया 20 रुपए किलो, लेकिन घिया की आप क्वालिटी देखेंगे ना जी, तो बहुत अच्छी घिया है ये, छोटी छोटी घिया है ये, देखिए। और ये वाला कद्दू? ये 20 रुपए किलो के आसपास चल रहा है जी। और टमाटर? ये लोकल लग रहा, ये लोकल टमाटर है जी सारा। ये क्या बिकता है? ये हम 400 रुपए क्रेट बेच रहे हैं जी, ये गोली है, ये 200 रुपए क्रेट है, और ये अच्छे वाला, ये 400 रुपए क्रेट बेच रहे हैं। 400 रुपए। बंद गोभी, फूल गोभी? बंद गोभी के बहुत बुरे हाल है, 200 रुपए कट्टा बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा है। फूल गोभी? फूल गोभी तो आज 15-20 रुपए किलो का बाजार है। और प्याज? ये वाला प्याज 15 रुपए किलो जी, और ये वाला 19-20 रुपए किलो। 19-20? हाँ जी। आलू 15 रुपए किलो।
करते हैं चाइनीज़ सब्जियों की, और पोकचोई की बात करें सर, पोकचोई इंग्लिश वेजिटेबल बिक नहीं रहा है यहाँ इतना अच्छा, क्योंकि जहाँ का ये जाता है वहाँ पहले ही वहाँ हो रहा है। बाहर तो इसकी डिमांड सर काफ़ी होगी, पोकचोई ब्रोकली की और ये जुगनी की भी बात। बाहर के आपका मतलब है बाहर, देश से बाहर? देश से बाहर भी, देश से बाहर तो डॉलरों में बिकेगी जी ये चीज़ें, इतनी अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है जी। हमारे एक मित्र है स्कॉटलैंड से, गोल्डी नाम के, तो उन्होंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो वो हमें फ़ोन पे, उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया यहाँ तो जो आप भाव बताते हैं वहाँ तो डॉलरों में, वहाँ तो बहुत महंगा है, और वो बहुत पसंद करते हैं इसको। एक दो डॉलर हो गया तब भी 160। हाँ, और बड़े प्रेम से इन सब्जियों को खाते हैं वो। हाँ जी, उनके अपने देश में बहुत कम प्रोडक्शन होती है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है। हाँ जी, स्कॉटलैंड में। हाँ जी। अच्छा, और जुकनी की बात करें, इसके क्या दाम है? जुकनी देखिए, ये इसकी क्वालिटी बहुत घट गई है ठंड के कारण, ये यहाँ सिकुड़ गई है। हाँ जी, ये देखिए, इसकी भी डिमांड बाहर ज़्यादा होगी यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, इसके सैलेड के तौर पे खाया जाएगा ऐसे ही, इसको काटा और ऐसे ही नमक डालो और ऐसे ही खाओ। लगता है मीठा टेस्ट होगा इसका? ये इंग्लिश वेजिटेबल जितनी भी है जी, इस टेस्ट के नहीं है, गुणों के हिसाब से बिकती है। टेस्ट में से? हाँ जी। और ये पोकचोई तो बिक नहीं रही भी? ये भी नहीं बिक रहा है जी। आंवले की बात करिए, ये पहाड़ी आंवला है, ये 10 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ जी, पहाड़ी कद्दू? पहाड़ी कद्दू भी 20 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है, पीला पीला कद्दू। हाँ जी, इधर को आ जाएं सर जरा। धनिया? धनिया देखिए, धनिया 20 रुपये किलो के आसपास। ये नई आइटम है सर, इसे कहेंगे सिंगरा। सिंगरा? हाँ जी। क्या आइटम है? ये ऐसे बोलते हैं, ये मूली के ऊपर लगता है, लगता तो हमारे यहाँ भी है पर, लेकिन वो फिर दाने टाइप में आ जाता है सर, इसमें तो प्याज की जैसे वो, तो उसको उसको मुंगरा बोलते हैं, ये सिंगरा है। ये तो उस तरह से जैसे प्याज के ऊपर नहीं लगती? हाँ जी, हाँ जी, उस टाइप की, पर ये मूली के ऊपर का है जी सिंगरा। हाँ जी, इसके क्या दाम है सर? ये 10 रुपये गुच्छी बिक रही है जी। 10 रुपये गुच्छी? हाँ जी। काफ़ी डाउन है? नहीं, फिर ये देखिए ना, ये देखिए कितनी होनी है, 200 ग्राम की होनी, अगर 200 ग्राम की 10 रुपए की बिकी तो ये 50 रुपए किलो की चली गई बात। एक एक तोड़ के फिर भी किसान की मेहनत, फिर गुच्छियों में बांधना, भाई मेहनत तो है ही वो, आप छांट के लो कोई भी, और कंडे लगा लेना बेशक, इसको वजन देखना आपने इसमें। और मेथी की बात करें सर? मेथी बहुत अच्छी मेथी आई हुई, अच्छी लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी ये मान के चलिए 10 रुपये गुच्छी, तो 20 रुपये किलो तक ही हो गई है। और साग की बात करें? साग 10-15 रुपये गुच्छी बिक रही है। पालक? पालक 10 रुपये गुच्छी इस समय। और बथुआ आज जो है वो मंडी में बहुत मंदा है, क्योंकि एक तो कल रिजल्ट आए हैं, मिठाइयाँ चली, लोग कल उसमें ज़्यादा बिजी थे तो घर से निकल के आए नहीं। और बथुए की बात करें, मूली? बथुआ भी 10 रुपये की गुच्छी है जी, मूली 20 रुपये किलो चल रही है। परवल, कुंदरू? परवल और कुंदरू आज दोनों ही नहीं आया जी। सिंघाड़ा? नहीं, सिंघाड़ा नहीं आया जी। सिंघाड़ा नहीं, नहीं। और ये मटर क्या बिक रहा है? मटर 30 रुपये किलो, 31 रुपये किलो। उसके दाम भी डाउन हो गए सर? हाँ, ये देसी है, लोकल अभी आया नहीं। हमारे लोकल चलेंगे फरवरी एंड में मेरे ख्याल से चल पड़ते हैं। अब डिपेंड करेगा, अगर बारिश हमारी लेट हो जाती है तो यहाँ प्रोडक्शन लेट हो जाएगी, और अगर मौसम ठंडा रहा तो फिर पंजाब का टमाटर ख़त्म ही नहीं होगा जल्दी। ओला और बर्फबारी पड़ती है हमारे मटर की बारी में? अभी देखिए, अभी बारिश हो जानी चाहिए, नहीं तो हमारी फसलें और लेट हो जाएगी। हाँ जी, किन्नू की बात करें सर? ये 650-700 रुपये क्रेट बिक रहा है जी, अब तो कलर में आ गया थोड़ा बहुत, ये आ गया कलर में, इस साइज में और इस कलर में आ जाए तो फिर बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा साइज भी है और कलर भी बहुत अच्छा। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज है, ऐसा भी आ जाता बीच में ना, जरा खाते पीते घर के हो जाते हैं। यहाँ तो मुश्किल ही सर, ये बाहर मेरे ख्याल से बाहर नहीं होता, तो यहाँ भी है लेकिन ज़्यादा ये गर्म एरिया का, गर्म एरिया। हाँ, कश्मीर में मैंने, मैं शायद से कश्मीर में, ये जम्मू साइड होता होगा? नहीं, जो सीधे सीधे एरिया, प्लेन प्लेन एरिया है वहाँ तो हो भी सकता है,
पहाड़ी एरिया में कम होता है। नहीं, एक पाकिस्तान से मेरे दोस्त है, उन्होंने बगीचे की फोटोज भेजी थी मेरे को। अच्छा, तो अच्छे उसमें फ्रूट्स लगे थे। तो हो सकता है वो प्लेन एरिया हो वहाँ पर। और अमरूद की बात करें, अमरूद अलग अलग भाव का है, ये 25 रुपये किलो का भी है। ये देखिए, ये जो तैयार, ये जो आपको दिख रहा है, ये 20 रुपये किलो का भी है हमारा लोकल, और ये 25-30 रुपये किलो का भी है ना। लोकल प्रोडक्शन तो तकरीबन जितना भी 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं। हाँ जी। और संतरे की बात करें तो संतरा ये मान के चलिए 30 रुपये किलो ही बिक रहा है, 30 रुपये किलो। और ये भी कोई अच्छी क्वालिटी दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, लग नहीं रही है इस शक्ल से। और ये हरा प्याज सर, ये 15 रुपये गुच्छी बिकती है जी, 15 रुपये गुच्छी। हाँ जी। हाँ, आइसबर्ग बिक रहा है सर ये? नहीं, ये कई दिनों से पड़ा है। और केला, ये केला देखिए, इसमें 100 केला होता है, ये 350 रुपये करे, 350 मतलब 350 पर पीस के हिसाब से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और ये कश्मीर का सेब, कश्मीर का 550 रुपये पेटी बिक रही है जी यहाँ पर आके। हाँ जी, सस्ता है ये, काफ़ी सस्ता है, कश्मीर वाले लुट गए इस बार। हाँ जी, इसकी लंबाई देखिए सेब की आप, बहुत अच्छा सेब है। और ये सेब भी ऐसा होता है मुँह में जाके गल जाता है? हाँ, थोड़ा ये रुई टाइप में बन जाता है जैसे जैसे रह जाता है। पकते हमारा शिमला और किन्नौर का ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल जूसी और सख्त क्रंची रहता है, और वेट भी उसमें ज़्यादा होता है। हाँ, इसकी रुई बन जाती है ये थोड़ा, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बेचना पड़ता है। और कीवी क्या बिक रही है? कीवी आई थी आज, लोकल कीवी आई थी जो छोटे साइज में थी, वो बिका 110 रुपये पर केजी, और जो थोड़ा साइज में अच्छा था वो बिका 160 रुपये पर केजी। और खजूर की बात करें सर, खजूर 200 ग्राम 25-30 रुपए का पैकेट बिक रहा है। नारियल वगैरह? नारियल 25 रुपए पीस, सिंगल सिंगल करके थोक में जो है वो 17-18-20 रुपए भी पड़ जाता है। और पानी वाला नारियल होता है डाब? डाब ये मान के चलिए 40 रुपए पीस से शुरू हो जाता है। कोई नई आइटम आज देखने को मिली हो जो स्पेशली आपके पास आई हो? नई आइटम आज तो सर कोई नहीं है, कीवी आई थी सुबह, वो ऑक्शन पे बिक गई। ऑक्शन पे बिक गई। हाँ जी। लगभग सारी आइटमें कर दी है लगभग लगभग। शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर? शॉप नंबर 10 न्यू सब्जी मंडी सोलन, 98-571-66-266। क्या लगता है पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस हो जाएगा बहाल? ओपीएस कल मैं किसी का राजनीतिज्ञ का बयान देख रहा था कि बिना सेंटर की परमिशन के ओपीएस राज्य सरकार कैसे देगी, तो हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी है नहीं। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो जब वादा कर रखा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आप बोल के जो है वो जिस चीज़ के सहारे आप सत्ता में आते हैं तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत तो नई सरकार के लिए हमारी ओर से बधाई भी है और शुभकामनाएँ भी है, ताकि वो देश की जनता को और अच्छे शासन की ओर ले जाए। वैसे अच्छी बात है, सरकार बदलनी भी चाहिए। जैसे कि एक बात बोली थी कल किसी ने कि तवे पर रोटी और सरकार वो बदलनी चाहिए, नहीं तो घमंडी हो जाती है और रोटी चल जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ये, बिल्कुल बदलनी चाहिए तभी फूलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है जी, थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का फलों सब्जियों का फ्रेश अपडेट, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर चुनावी चर्चा भी कर ली सर से। तो सच्ची बात है, जैसा कि एक कल भी एक बात हमने सुनी थी, शायद हमारी इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि तवे पर रोटी और यदि सरकार ना बदली जाए तो तवे की रोटी जल जाती है और यहाँ पर सरकार घमंडी हो जाती है। तो लगभग आज का फल व सब्जियों का फ्रेश अपडेट दर्शकों हो चुका है। तो रोज़ाना इसी तरह के अपडेट के लिए किसान न्यूज़ के साथ रोज़ाना ही बने रहें। रोज़ाना हम आपके लिए अपडेट लेकर सोलन सब्जी मंडी से हाजिर होते हैं, तो वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें। और आपका क्या कहना है, कांग्रेस सरकार बनी है, क्या ओपीएस से बहाल हो पाएगा? कैबिनेट की आज उनकी मीटिंग भी है, शायद चंडीगढ़ में आज मीटिंग है, तो देखते हैं क्या होता है, तो उसका अपडेट भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।